पशुपालन हमारी अर्थव्यवस्था का सशक्त आधार है। प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में पशुपालन व्यवसाय का योगदान 8% है। किसान परिवार में पशुओं का स्थान किसी से छुपा नहीं है। जब एक पशु बीमार होता है तो वो परिवार उसकी देखभाल में अपनी जी जान लगा देता है। पशुपालकों के इसी दर्द को समझते हुए अशोक गहलोत ने अपने कार्यकाल में पशुओं के लिए निशुल्क दवा योजना शुरू की थी। पशु निशुल्क योजना के तहत सर्वाधिक उपयोग में आने वाली जेनेरिक दवाइयां एवं सर्जिकल दवाइयां पशुओं को निःशुल्क उपलब्ध कराई गई थी। गहलोत की सोच थी कि सभी पशुओं को सरकारी चिकित्सालयों में मुफ्त दवा मिलने पर पशुपालकों को राहत मिलेगी। गहलोत ने अपने कार्यकाल में कई बार सार्वजनिक मंच से कहा था कि हमारे राज्य के उन्नत नस्ल के पशुधन की पूरे देश में पहचान है। देश का 13% दूध तथा 30% ऊन का उत्पादन राजस्थान में होता है। राज्य की पशुधन विकास नीति हमने बनाई है। इसके पीछे गहलोत का उद्देश्य पशुधन उत्पादन में बढ़ोतरी करना था। यही कारण था कि अशोक गहलोत ने आम जनता के साथ साथ इन बेजुबानों का भी दर्द समझा।